एचडीएफसी बैंक में लंबे समय से आपके सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को एफडी अगेंस्ट भी ले सकते हैं। क्या आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक में लेना चाहिए? इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। गाइस, आपने अपना सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन करवा रखा है और लंबे समय से आपके सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर या फिर प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी बेस यानी कि फ्रीडम क्रेडिट कार्ड रिसीव कर लेते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस कम रहेंगे। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट और फीचर बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना चाहिए या फिर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए वेट करना चाहिए। तो गाइस, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप एफडी अगेंस्ट यानी कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी रिसीव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिनिमम 25,000 रुपए की एफडी करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने सेविंग अकाउंट में एफडी बुक करनी रहेगी। एफडी बुक करने के बाद आपको सिंपली प्रोसेस करना है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपको ये बैंक की तरफ से फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है वो प्रोवाइड हो जाएगा और आपकी जो भी लिमिट रहेगी वो एफडी के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास में सैलरी स्लिप नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए फ्रीडम क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट यानी कि एफडी के अगेंस्ट इस क्रेडिट कार्ड को रिसीव करके यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक बिजनेस होल्डर हैं, आपकी सैलरी है, आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी या फिर बिजनेस आईटीआर इतना नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाए, तो ऐसी स्थिति में आपको एफडी बेस पर क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे वेट करना है, एचडीएफसी सेविंग अकाउंट में आपको एक टाइम के बाद में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जरूर ऑफर दिया जाएगा। बैंक की तरफ से जो भी हमें क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है, अगर वो ऑफर हमें मिल जाता है तो हमसे कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन होती है वो सिंपली अप्रूव हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंक में अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं लेकिन समय पर मेंटेन न होने के कारण उनको कभी भी यहाँ पे कोई भी ऑफर प्रोवाइड नहीं होता है। तो गाइस, आप कोशिश कीजिए कि अपना जो भी मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखें। आप ट्रांजैक्शन अकाउंट में करें या फिर नहीं करें, आपको मिनिमम जो भी एवरेज बैलेंस दिया हुआ है, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो या फिर 25,000 हो, आपको अपना बैलेंस समय पर मेंटेन करना है। आपका जो भी एवरेज बैलेंस है उससे आपको एक रुपये भी कम होने नहीं देना है। अगर आप लगातार 6 मंथ तक अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपको यहाँ पे 90% चांस होते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास में सैलरी नहीं है, आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, सिर्फ आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। जो भी हमारा फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है इसको आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं लेकिन आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, तो ऐसे में आपको एचडीएफसी सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत है, आपके अकाउंट को यूज करने की जरूरत है, जो भी आपको अकाउंट के साथ में डेबिट कार्ड मिला है उसको यूज करने की जरूरत है। आप अगर टाइम पर अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे, यूज करेंगे, डेबिट कार्ड को यूज करेंगे, तो एक समय बाद आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर दिया जाएगा और जब आपको ऑफर दिया जाएगा तो सिंपली आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। और जो हमारा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है कि डायरेक्टली जो बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है हमें, उसमें जो भी हमें लिमिट प्रोवाइड की जाती है वो लिमिट समय समय पर बढ़ती रहती है। लेकिन जो हमें एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड हम लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड में लिमिट नहीं बढ़ती है, जो भी हमारे एफडी की लिमिट है उसी दायरे में हमारी लिमिट है वो रहती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ किन लोगों को एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड, जो हमारा फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, इसको लेना चाहिए और कौन से लोगों को ये क्रेडिट कार्ड एफडी बेस्ड पर नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के डाउन में कमेंट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन इंस्टा आईडी पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।